फेमिना मिस इंडिया या सौंदर्य स्पर्धेमध्ये नागपूरची दिशा पाटील ही फेमिना मिस इंडिया ठरली आहे. फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र 2022 जगतामध्ये अतिशय प्रतिष्ठेची समजली जाणारी सौंदर्य स्पर्धा आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यातून सौंदर्यवती निवडल्या जातात व त्यानंतर मुख्य स्पर्धा राष्ट्रीय पातळीवर होते. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातून पहिली सौंदर्यवती नागपूरची दिशा पाटील ठरली आहे. दिशा पाटील फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र 2022 झाल्यामुळे तिला फेमिना मिस इंडिया या राष्ट्रीय स्तरावरील सौंदर्य स्पर्धेमध्ये सरळ प्रवेश मिळाला आहे. सर्व राज्यातून प्रत्येकी एक अशा प्रकारे एकूण 31 सौंदर्यवती आता फेमिना मिस इंडिया 2022 या मुख्य स्पर्धेसाठी पात्र असतील. दिशा पाटील ही नागपूरच्या मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्ट आर्किटेक्चरची अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. शिक्षणासोबतच मॉडेलिंग व TV मधील जाहिरातींमध्ये सध्या ती काम करते. लहानपणापासूनच मॉडेलिंग व सौंदर्य स्पर्धेची आवड असणाऱ्या दिशाने यापूर्वी अनेक सौंदर्य स्पर्धेमध्ये बक्षिसे मिळवलेली आहेत. ओप्पो मोबाईल सौंदर्य स्पर्धा, सेंट्रल मॉल सौंदर्य स्पर्धा, तसेच श्रावण क्वीन 2018 मुकुट सुद्धा तिला मिळालेला आहे. दिशाचे वडील श्री किशोर पाटील हे पटबंधारे विभागात इंजिनियर या पदावर कार्यरत असून तिची आई सौ धनश्री पाटील या प्रसिद्ध कवयित्री व गझलकार आहेत. भविष्यात अभिनय व मॉडेलिंग करायचे असल्यामुळे त्या दृष्टीने तिचे प्रयत्न सुरू आहेत. आय रिप्रेझेंटेड महाराष्ट्र ॲट मिस इंडिया दिस इयर. मिस इंडिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन आहे. फेमिना मिस इंडिया का जो विनर होता है वो मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एंड विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म. हमने जो विनर्स देखे इंडिया से जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ऑल दीज वर अ पार्ट ऑफ मिस इंडिया एंड दे वेंट फॉर मिस वर्ल्ड एंड दे वर द विनर्स ऑफ मिस वर्ल्ड. तो उन लोगों ने इंडिया का बहुत नाम ऊंचा किया है. एंड रियली प्राउड ऑफ देम. सो आई हैड इंस्पिरेशन फ्रॉम ऐश्वर्या राय. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी देयर. इसलिए मैं फेमिना मिस इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ आई वॉज इन टॉप 10 फॉर मिस इंडिया दिस ईयर. एंड आई एम जस्ट लाइक माई जर्नी इज एंडेड हियर बट आई एम ट्राइंग टू गो हेड. 31 कंटेस्टेंट्स थे फ्रॉम 31 स्टेट्स ऑफ इंडिया. एवरी स्टेट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव. सो जैसे मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी, हर एक स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव था. जैसे मिस राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश. सो उन सबसे मतलब एक मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि मैं इंडिया के हर एक कोने कोने में से जो लड़के आ रही हूँ उनके साथ मैं रह रही हूँ एंड गेट टू नो ऑल ऑफ देम. गुरु तो मैं अपने मॉम डैड को मेरा गुरु बोलूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. पर मैं जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो मैं मुंबई की एक एकेडमी है कोकोबेरी विच ट्रेन गर्ल्स फॉर ब्यूटी पैजेंट्स. तो वहाँ पर जो अलीसा मैम और अंजलि मैम है, अलीसा राउत एंड अंजलि राउत है, दिस एकेडमी, तो मैंने उनसे ही अपना पूरा ट्रेनिंग लिया है. उसी के थ्रू आई वेंट टू मिस इंडिया. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.